हेलो क्लास एट, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू दिस मॉडर्न मास्टर चैनल। सो स्टूडेंट्स, अब आप देखो, हमने ना फर्स्ट चैप्टर अच्छे से कंप्लीट कर लिया और उसके जितने भी क्वेश्चन आंसर्स थे वो सब हमने कर लिए, ठीक है। आई थिंक उसमें जितने भी दो एक्सरसाइजेस थे, ठीक है, सो वो हमने सारी कंप्लीट कर दी। अब शायद दो होंगे या उससे ज़्यादा होंगे, पता नहीं, ठीक है, दो थे आई थिंक। और अब आप देखो, अब हम स्टार्ट करने वाले हैं यहाँ से चैप्टर नंबर टू, ठीक है। और यहाँ पर सबसे पहले एक्सरसाइज हमारे पास चैप्टर नंबर एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1। अब आप क्वेश्चन देखो, स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सॉल्व द फॉलोइंग, ये अब एक आपको ने यहाँ पर इक्वेशन दी है, ठीक है, x माइनस 2 इज इक्वल टू 7, ठीक है। अब आई थिंक आपने ना प्रीवियस क्लासेस में 6 में 7 में पढ़े होंगे कुछ इस तरह की इक्वेशन, जिसमें कि हम क्या करते हैं, आपको एक आइडिया होगा कि यार माइनस 2 है, ठीक है, तो माइनस 2 को अगर मैं इज इक्वल टू के इस साइड ले जाता हूँ और तो वो हो जाएगा हमारा प्लस 2 का, फिर मैं यहाँ से x की वैल्यू निकाल सकता हूँ। और आपने बिल्कुल सही सोचा, ठीक है। लेकिन अगर मैं आपको एक फंडामेंटल तरीका, मतलब एक तरीका बताता हूँ, ठीक है, एक वे होता है किसी भी चीज़ का, फालतू में कोई चीज़ नहीं होती, ठीक है। अभी इतना सा क्वेश्चन है, मैं इसको लंबा इसलिए खींच रहा हूँ कि अगर आप इसको समझोगे ना, इस वीडियो को देखना, आपको एक डेप्थ पता चलेगी, पता ही ऐसा क्यों होता है। अब ये हम क्या बोलते हैं, हम माइनस 2 को LHS यानी कि LHS से RHS में ले जा रहे हैं, राइट हैंड साइड में ले जाते हैं हम, इसको उधर ले जाते हैं, उसको इधर ले जाते हैं, बहुत बार हम क्वेश्चंस में करते हैं, प्लस का साइन माइनस हो जाता है, माइनस का प्लस हो जाता है, मल्टीप्लाई का डिवाइड हो जाता है, डिवाइड का मल्टीप्लाई। देखो यार, कोई नंबर ना अपनी जगह से कहीं नहीं जाता। अब यह x माइनस 2 इज इक्वल टू 7 है, ठीक है, इसमें से अगर मैं माइनस 2 को इधर ले जाऊं तो वो प्लस 2 का हो जाएगा, कोई कहीं नहीं जा रहा। अगर मैं क्या करूं, इधर ये माइनस 2 है, इधर कुछ नहीं है, इधर मैं अगर प्लस 2 डाल दूं और इधर भी मैं प्लस 2 डाल दूं, कोई प्रॉब्लम होगी? बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, ये सब कुछ प्लस में चल रहा है, ठीक है। यहाँ पर मैंने प्लस 2 इसके साथ कर दिया, मैंने 2 इसमें प्लस कर दिया। अब क्या हुआ, मैंने 2 इस साइड भी प्लस कर दिया, मैंने 2 इस साइड भी प्लस कर दिया, कोई दिक्कत आई, मतलब इक्वेशन में कोई दिक्कत नहीं आई, ठीक है। अगर आप एक बार के लिए मान लो कि चलो ये ब्रैकेट के अंदर था तो इसको ऐसे रहने देते, ठीक है। अब अगर मैं ब्रैकेट ओपन करूँगा तो मेरे पास हो जाएगा 2 प्लस और x माइनस 2 हो जाएगा, ठीक है। और इधर 7 प्लस 2 कितना हो जाएगा मेरा, 7, 8, 9 मेरा हो जाएगा इधर 9, ठीक है। अब है प्लस 2 से माइनस 2 कैंसिल हो जाएगा और x की वैल्यू मेरी आ जाएगी 9। समझ में आया? अब एक बार मैं क्या करूँगा, ये प्लस 2 माइनस 2 नहीं करेंगे, x माइनस 2 है इज इक्वल टू 7 है। अगर मैं x इज इक्वल टू 7 माइनस 2 को मैं इस साइड ले जा लेता हूँ उठा के, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका प्लस 2 और अभी भी x की वैल्यू यहाँ पर आ रही है 9, ठीक है। तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको ये तरीका करना है, तरीका आपको यही करना है क्योंकि ये आसान है, देखो, ठीक है। यहाँ पर हमने दोनों साइड 2-2 लिखे, बट इसका जो फंडामेंटल, मतलब जो पीछे का, यानी कि जो इसको पीछे का छुपा हुआ ज्ञान है ना, वो यहाँ पर है। ज्ञान यानी कि पीछे इसमें क्या हुआ कि हमने वहाँ साइन चेंज किया उसका, ठीक है, और इसको हम फिर एक तरह से ये एक स्टैंडर्ड बना दिया कि सीधा उसको साइन चेंजेस करेंगे तो ये हमारा आंसर आएगा, ठीक है। अब आपको पता चला होगा, आपको एक फील आया होगा, वो अनुभव आपको हुआ होगा मैथ के इन इक्वेशंस का, जो आपने अभी तक नहीं किया होगा आई थिंक, ठीक है। सो दिस वॉज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्लास 8। तो फर्दर मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें, बाय।